आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही हैं, लेकिन मांगों पर सहमति के बावजूद मांगें पूरी नहीं होने से खफा आंगनवाड़ी वर्कर्स महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल के घर पर इकट्ठा हुई और कहा सरकार ने उन्हें कुशल व अर्ध कुशल कैटेगरी का भरोसा दिया था और प्रमोशन एरियर व महंगाई किश्त देने का वायदा किया था। इनमें से सरकार ने उनकी भी मांग वायदे अनुसार पूरी नहीं की, जिसके चलते उन्हें अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदे मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कोई भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया। जिला अम्बाला की मैं प्रधान हूँ और राज्य महासचिव हूँ। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। जिला अम्बाला के 7 ब्लॉक है जिला अम्बाला में, उन 7 ब्लॉक के प्रधान, महासचिव, कैशियर वगैरह सब है। यहाँ पे इकट्ठे हैं हम। आज हम इस उम्मीद से यहाँ आए हैं कि जो सौभाग्य से असीम गोयल सर और माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिला अम्बाला के हैं, हम जो पिछले बहुत सारे सालों से जो हमारी लंबित मांगे हैं, हम इसलिए आए हैं कि शायद आज असीम गोयल सर जो है हमारी मांगों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। सर, हमारी मांगे, हमने अपने मांग पत्र में कुछ भी कोई नई मांग नहीं लिखी, क्योंकि 2018 में भी हम 1.5 महीना सड़कों पे रही थी। सरकार ने हमारे से वादा किया था, तब के जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री खट्टर सर जी, उन्होंने ये कहा था कि हम वर्करों को कुशल और अर्ध कुशल की कैटेगरी देंगे, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 2021 में हमने अपना धरना प्रदर्शन किया, तब भी मुख्यमंत्री जी ने, तब भी जो खट्टर सर थे उन्होंने ये कहा था कि भी सितंबर में, हर साल सितंबर में आपको महंगाई किस्त लागू की जाएगी, जो आज तक नहीं दी गई। केवल 2021 की दी गई, 22 और 23 की वो किस्त हमारी रोक दी गई। मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि भी एरियर सहित हमारी 2022 और 23 की महंगाई किस्त लागू की जाए। सरकार ने हमारे से वादा किया था कि भी बिना किसी शर्त के सीनियोरिटी के हिसाब से आंगनवाड़ी वर्करों को जो है ना प्रमोशन दी जाएगी। ऐसा कहीं भी कोई भी हम लगातार पिछले 2 साल से अपने अधिकारियों से सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइल चली हुई है। इस तरह से एक लारा लगा के हमें वापस कर भेज दिया जाता है। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए 1500 रुपये और 700 रुपये लागू किए थे। हरियाणा सरकार, पूरे देश में ये लागू हुए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारे वो 1500 रुपये और 700 रुपये भी लागू नहीं किए। जो है ना, हम पूरी उम्मीद के साथ आए हैं कि वो एरियर सहित हमारी वो बढ़ोतरी लागू की जाए, जिसका पूरे देश के ऊपर, जो पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्करें और हेल्परें ले रही हैं, लेकिन अम्बाला की हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्करों का जो है वो शेयर जो है ना रोका हुआ है।